मैकाले की शिक्षा नीति बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। मैकाले ने अपनी अंग्रेजी की भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, अंग्रेजी की संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए मैकाले शिक्षा नीति की इस देश में, भारत में पैरवी की और अंतर्गतवा को नीति लागू हुई। उससे पहले जो गुरुकुल की शिक्षा नीति चलती थी, गुरुकुल का के बारे में शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल कॉलेज थे, वो धीरे धीरे खत्म होते गए। लोगों ने उन कॉलेजों को तोड़ दिया और नए अंग्रेजी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल स्थापित किए गए। उसके बाद धीरे धीरे आधुनिक काल में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता चला गया। जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के बाद कई कमीशन बैठे, कई सिफारिशें हुई, कई आयोग बने, कई चीज़ें ऐसी बनी, रिसर्च सेंटर बने, रिसर्च की गई और शिक्षा में बदलाव होते चले गए। लेकिन 1911 में एक बार समान शिक्षा में बदलाव के लिए प्रयास किया गया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो CBSE यहाँ से ऐसे पूरा फ्रेम सही रहेगा। फोटो हो ये 4 सालों से काम, 4 सालों से ज़्यादा समय। कहाँ काम कर रहे सर? ये पूरे उत्तर प्रदेश में से चालू हुआ था लखनऊ से, आप पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है सर इसका? लोगों का आत्मबल बढ़ाना। हम लोग सिर्फ आत्मबल पे काम करते हैं, आत्मविश्वास, आत्मबल। किस तरीके के आत्मबल की बात कर रहे हैं? देखिए, दो तरीके का आत्मबल होता है। एक आप रंगबाज सेना में ही बोलते हैं थोड़ा सा। जी, रंगबाज का मतलब लोग गुंडा बदमाश लेते हैं और वो आत्मबल का मजबूत इंसान भी होता है। जी, दो रास्ते हैं, एक गुंडा बदमाश बनाता है, एक IPS बनाता है, एक नेता बनाता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाता है। तो हम लोग ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जो आपके अंदर ताकत है उसका उपयोग आप सही दिशा में करिए, यही आत्मबल है। ना कि आप गुंडा बदमाश, लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि गुंडा बदमाश है, गुंडे कर ली तो हमारे आत्मबल ज़्यादा, मतलब हम लोग रंगबाज हो गए। तो हम लोग उसको सही ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आत्मबल का सही यूज़ आप सामाजिक काम करने के लिए लगाइए, लोगों में पॉपुलर होने के लिए लगाइए, समाज में अपना स्थान बनाने के लिए लगाइए। दूसरी चीज, एक आत्मबल बढ़ाने के लिए संगठन होना बहुत ज़रूरी है, आदमी को संगठित होना भी बहुत ज़रूरी है। तो संगठन पे भी हम लोग जोर देते हैं। एक रिक्शे वाले को लोग मार देते हैं, इस वजह से वो कमज़ोर होता है, उसका आत्मबल तब बढ़ जाता है जब 25 रिक्शे वाले खड़े हो जाते हैं। ये भी आत्मबल बढ़ाने का। तो हम लोग जन जागरूकता अभियान और बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिससे कि आत्मबल पे ही जोर देते हैं। जैसा कि सर आपने अभी अपने इससे पहले कहा है क्वेश्चन में कि आत्मबल कितना सही और कितना गलत और किस जगह पे प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। आत्मबल सबसे ज़्यादा क्या आप? आत्मबल का सही प्रयोग कहाँ पर होना चाहिए? जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में टॉप वही कर सकता है जिसने दिमाग में बना लिया कि मुझे पढ़ना है। तो आप अपने आत्मबल को मजबूत करके अगर पढ़ते हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे, निश्चित करेंगे। चाहे आप वो कम लाइट में पढ़ें, नॉन एसी में पढ़ें, चाहे सीट आपकी टूटी हो या कुछ भी हो, आपको एक किताब ही तो पढ़नी है। तो
उस आत्मबल को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि आत्मबल का प्रयोग सही दिशा में किया जाना चाहिए। लेकिन आप क्या मानते हैं कि 100% है? 100% नहीं है। लोग कंफ्यूज रहते हैं या शुरू से मिसगाइड रहते हैं और अपनी एनर्जी किसी दूसरी तरफ लगा देते हैं। उसी चीज़ को तो समझाना हमारा काम है, उसी चीज़ को हम लोग जन जागरूकता अभियान के माध्यम से समझाते हैं लोगों को और मौके पे जाके समझाते हैं कि अपनी एनर्जी पॉजिटिव जगह पे लगाएं। ये आपका जो अपना संगठन है उत्तर प्रदेश में किन किन शहरों में है? गाजियाबाद में ले लीजिए, इधर बरेली में ले लीजिए, इधर बाराबंकी ले लीजिए, इधर हरदोई ले लीजिए, इधर बहुत सारी जगह। संगठन में कितने सदस्य होंगे? ये हमने कैलकुलेट नहीं किया, इस वजह से कि हम लोग बहुत ज़्यादा सदस्य नहीं बनाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को पद नहीं देते हैं, इस वजह से कि हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि ये इनकी थिंकिंग क्या है वास्तव में। ऐसा तो नहीं कि ये अपोजिट थिंकिंग वाले हों तो उनको हम लोग नहीं शामिल करते। आप समझ गए ना, अपोजिट थिंकिंग वाले। क्या आपने राष्ट्रपति जी से भी जो है इसकी मांग की है कि समान शिक्षा? जी, राष्ट्रपति जी को हमने मांग की है, प्रधानमंत्री जी से मांग की है। इसमें आपको कोई उत्तर आपके पास आया? नहीं, कोई उत्तर नहीं आया। आंसर देने का जो मुझे लगता है कि एक पैटर्न था, पहले आप राष्ट्रपति को कुछ भी लिख देते थे, मुख्यमंत्री को कुछ भी लिख देते थे, प्रधानमंत्री को, तो उसका लेटर भले थैंक्स में आता था, अब नहीं आता। ये परिवर्तन है। क्या था रणबाज सेना के बारे में? तो हमारा पहला स्लोगन है, रणबाजों का रणबाज वही होगा जो गुंडा बदमाश नहीं होगा। रणबाजों का रणबाज वही होगा। रणबाजों का रणबाज वही होगा। अब हमारा जो एनएस आंदोलन आ रहा है, बजाओ दे धमादम, दे धमादम, बजाओ दे धमादम, दे धमादम, एक पाठ्यक्रम, एक पाठ्यक्रम, इंटर तक बच्चों का, इंटर तक बच्चों का, फ्री शिक्षा, फ्री शिक्षा, फ्री शिक्षा, अच्छी शिक्षा, उत्तम शिक्षा, अच्छी शिक्षा, उत्तम शिक्षा, सबको पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे, बजाओ दे धमाधम, दे धमाधम, बजाओ दे धमाधम, दे धमाधम, एक परीक्षा कराएंगे, एक परीक्षा कराएंगे, एनसीईआरटी की किताबें एनसीईआरटी की किताबें सारे टीचर एक समान, एक समान, सारे टीचर एक समान, एक समान, एक तीर, एक निशाना, एक तीर, एक निशाना, समान पाठ्यक्रम को लागू कराना, समान पाठ्यक्रम को लागू कराना, सर्व शिक्षा, एक शिक्षा, सर्व शिक्षा, एक शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, समान शिक्षा, बजाओ दे धमाधम, दे धमाधम, एक पाठ्यक्रम, एक पाठ्यक्रम, बजाओ दे धमाधम, दे धमाधम, एक पाठ्यक्रम, एक